granted. Access granted. अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो कल मैंने मैसेज करा था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सवाल आते हैं कोर्स के रिलेटेड, आप वो पूछ लीजिए ग्रुप में। और लिटरली कुछ ही देर में बहुत सारी चैट्स आप लोगों की जमा हो गई थी और ऑलमोस्ट 1000 के करीब करीब की चैट्स हो गई थी। तो उन सब चैट्स में से मैंने जो कॉमन सवाल आते हैं उन्हें पिक करा है और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है उन सब के आंसर देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो के लास्ट के अंदर भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और गाइडेंस है इस कोर्स के रिलेटेड जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और इसके अलावा ये वीडियो जो है वो आज सुबह अपलोड होनी थी, मगर जिस तरह आपको पता है कि बारिश हुई थी, बारिश के बाद से जो है वो इंटरनेट इशू, नेटवर्क इशू और लोड शेडिंग इशू ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। और इसके बाद जो है SPL में बिज़ी हो गए थे हम सब, तो इसी वजह से अब मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। सो शुरू करते हैं आपके सवाल से। अच्छा, पहला सवाल जो है वह SPL के रिलेटेड है। SPL तो हो चुका, बट इसी वजह से जो मैंने है ग्रुप के अंदर रात को आपको टाइमिंग भी बता दी थी और ये भी बता दिया था कि अपने साथ क्या क्या लेके जाना है और किस तरह से लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना है। खैर, अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि SPL में था क्या क्या आज इनामात में। तो टोटल 11 प्लॉट्स थे और इसके अलावा 5 बाइक्स थी और 5-6 लैपटॉप्स थे। इसके अलावा 5 आई थिंक उमरे के टिकट्स थे। और ये सब चीज़ें मिल चुकी हैं सबको, मतलब मिली नहीं है, विनर अनाउंस हो चुके हैं और जो विनर हैं उन लोगों को बुलाया है गवर्नर हाउस 10 तारीख को। तो जब भी वो गवर्नर हाउस जाएं तो अपने साथ जो है ओरिजिनल NIC लेके जाइएगा और जो उनका ओरिजिनल ID कार्ड था, एडमिट कार्ड जो था गवर्नर हाउस का, वो लेके जाइएगा ताकि वेरिफिकेशन के लिए, देखने के लिए कि भैया वाकई वही बंदे हैं जिनके इनामात निकले हैं, तो वेरीफाई हो सके। अच्छा, ये सवाल भी ना बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ट्यूसडे को बुला रहे हैं, क्लास है तो क्या हम सबको जाना है क्लास लेने? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्यूसडे को सिर्फ वो स्टूडेंट्स जाएंगे जिन्होंने ट्यूसडे के डे को सिलेक्ट करा होगा। सही है, अगर आपने वेडनेसडे का डे सिलेक्ट करा है तो आप वेडनेसडे वाले दिन ही जाएंगे, आप ट्यूसडे को नहीं जाएंगे। और जो स्टूडेंट ईमेल्स का वेट कर रहे हैं और जो मुझे पर्सनल में मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि सर हमें तो मेल आई नहीं है तो हम ट्यूसडे को जाएँ या नहीं जाएँ, तो आप लोग बच्चे नहीं बने। जब आपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की होगी और एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई करा होगा तो आपने अपने लिए एक स्लॉट और डे सेलेक्ट करा होगा। सही है, तो आप नन्हे काके नहीं बने कि आप लोगों को मेल आए तो आप लोग जाएंगे। आप लोगों को अपना दिन भी पता है, आप लोगों को अपने टाइमिंग भी पता है क्योंकि आपने सेलेक्ट किए थे। तो जब भी आपका डे आए तो आप खुद ही चले जाएँ। ट्यूसडे को सिर्फ वो जाएंगे जिन्होंने ट्यूसडे के डे को सेलेक्ट करा होगा। सही है, स्टूडेंट्स के सवाल थे कि सर ईमेल रिसीव नहीं हुई। तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है उनकी टाइमिंग्स और उनके डे, वो उसके अकॉर्डिंग क्लास लेने के लिए आए, ईमेल आए उनको या ना आए उसका वेट नहीं करना। सर, क्या हम ऑन साइड वाले भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग कर सकते हैं। और उसका अटेंड करने का तरीका यही होगा कि आपने जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा है तो उधर ही लेक्चर अपलोड होगा, तो उधर आप ले सकते हैं क्लास। अच्छा, थर्सडे के हवाले से ये है कि आपका 3 दिन का ऑफ आ रहा है बीच में। सही है, ट्यूसडे को आपको क्लास लेने जाना है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपका ऑफ होगा ड्यू टू दी इलेक्शंस। और इफ़ आई फाउंड एनी वीडियो रिलेटेड टू दिस जो कि कंफर्म कर दे इस चीज़ को, तो वो मैं इसके आगे अटैच कर दूंगा। 8 फरवरी से रिलेटेड के 8 को क्लास होगी कि नहीं? बिल्कुल 8 को क्लास नहीं है, साथ साथ 7 तारीख और 9 तारीख को भी क्लास नहीं है। 7th, 8th and 9th ये 3 दिन कोई क्लास नहीं है, उसके बाद 10 से क्लास स्टार्ट होंगी और फिर वो चलती रहेंगी। 6 को प्रॉपर क्लास है, उसके बाद 10 को और फिर डेली बेसिस पे क्लासेस चलती रहेंगी। जो स्टूडेंट्स अपने टाइमिंग और डेज चेंज कराना चाहते हैं तो भाई मुझे ये बताओ कि क्यों कराना चाहते हो? आप लोग ऑन साइट के लिए सेलेक्ट हो गए, इससे ज़्यादा और बड़ी क्या बात हो सकती है? बट अगर कोई अहम वजह है और कोई रेलिवेंट रीज़न है तो आप लोग एप्लीकेशन देंगे गवर्नर हाउस में। बट उसके लिए भी एक सिनेरियो है और एक शर्त है कि जिस भी टाइम स्लॉट में आप जाना चाहते हैं या जिस भी डे में आप जाना चाहते हैं उधर कोई सीट खाली है। और सीट खाली कब होगी? जब कोई बच्चा छोड़ के जाएगा अपनी सीट, और ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो इनडायरेक्टली यही है कि आपके टाइम और जो
डेज हैं वो चेंज होना वो बहुत मुश्किल है। और ये सर दानियाल ने भी बताई थी बात कि आपके जो डेज और आपने जो टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया ना, एक बार आप वो परमानेंट आपके लिए, जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी टाइप का रीज़न ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि जिनके आईडी कार्ड पे सिग्नेचर होना, सिग्नेचर तो खैर नहीं, स्टैम्प लगना रहेगा ही है, तो जब उनकी फ़र्स्ट क्लास होगी तो वो अपने साथ अपना कार्ड लेके जाएं और उसी वक्त स्टैम्प वगैरह लगवा लें। कि अगर किसी का अटेस्टेशन किसी वजह से रह गई है तो वो अपनी फर्स्ट क्लास में आकर अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो चलें अब आते हैं आपके ऑनलाइन वाले टॉपिक के ऊपर, और दिस वन लिटरली मोस्ट आस्क क्वेश्चन, और ये हर दूसरे बंदे का ये सवाल था फ्रॉम डे वन के भाई ऑनलाइन वालों का क्या सीन है। तो देखिए मैं इसके अंदर पूरा कवर करके बता देता हूँ कि ऑनलाइन वाले के सेशंस कब से स्टार्ट हैं और उन लोग को मेल क्यों नहीं आ रही, उन लोग के लेक्चर्स कहाँ अपलोड होंगे, उन्हें किस तरह से अपने लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, मैं ओवरऑल सब चीज़ें बता देता हूँ। देखें ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑन साइट वालों को दी जा रही है, जो टॉप के 50,000 बच्चे थे। सही है, आपने देखा होगा कि उन लोगों को पहले मेल्स आई, उन लोगों के पहले कार्ड्स बने, उन लोगों के कार्ड्स पहले टेस्ट हुए, और उन लोगों की क्लासेज जो है कल से स्टार्ट भी होने वाली हैं, यानी ट्यूसडे से। आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों के वो कार्ड्स जनरेट करने के लिए मेल्स नहीं आई हैं, तो मैं आप बता रहा हूँ कि आप लोगों को हो सकता है कि ऑन साइट की क्लासेस स्टार्ट होने के 1 वीक बाद या फिर 15 से 20 दिन बाद मेल्स आएंगी। और सिमिलरली जिस तरह ऑन साइट वालों को मेल आई थी उस तरह की मेल आएगी आप लोगों को। आप लोगों ने मेल पे क्लिक करके रजिस्टर्ड करना होगा अपने आप को पोर्टल के ऊपर, सही है, बट आपको आईडी कार्ड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आईडी कार्ड वाला सिलसिला है वो सिर्फ ऑन साइट वाले स्टूडेंट के लिए, सिर्फ आप लोगों को पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और क्योंकि जो आपके ऑनलाइन लेक्चर हैं वो उधर ही अपलोड होंगे और आप उधर से ही जो है अपने सारे लेक्चर्स देखेंगे। सही है, और दूसरी चीज़ जो ये पूछ रहे थे कि ऑनलाइन और ऑन साइट इन दोनों का कोर्स क्या डिफरेंट है या कोर्स मटेरियल डिफरेंट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का सिलेबस, दोनों का कोर्स, इवन ईच एंड एवरीथिंग, जो जो चीज़ें ऑन साइट वाले बच्चों को पढ़ाई जाएंगी वही चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन वाले बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं, दोनों को सेम असाइनमेंट्स मिलेंगे, दोनों को सेम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, दोनों के सेम टेस्ट होंगे, बट जो फ़र्क जो है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि वो लोग फिज़िकल क्लासेस ले रहे होंगे और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोर्स के बाद वो ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों के लिए इक्वल हैं। सही है, तो इस चीज़ को सोच के आप लोग हेजिटेट नहीं होया करें और कन्फ्यूज़ नहीं होया करें। मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2 मंथ पहले, मैं नहीं जा सका साइन कराने। अच्छा, तो मैंने इसके हवाले से पहले ही बता दी है साइन वाली चीज़। तो एक बात पूछनी थी, जो हम ऑन साइट सीखेंगे तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर हमें पोर्टल पर मिलेंगे क्या? जी बिल्कुल, पोर्टल पे अपडेट होंगे, आपके सारे अपलोड होंगे लेक्चर्स, आप उधर से भी ये ले सकती हैं, देख सकती हैं क्या क्या लेकर जाना है। अच्छा, आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या लेकर जाना चाहिए। एक तो आपके पास जनरल और एक पेंसिल होनी चाहिए जिसके अंदर आप चीज़ें नोट करेंगे, क्योंकि एट द एंड जो चीज़ें आप खुद से नोट करते हैं वो ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही होती हैं। ऑल दो कि आपकी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो रहे होंगे पोर्टल पे, बट फिर भी जो है आई विल रिकमेंड यू के अपने साथ आप कॉपी और एक पेंसिल या फिर पेन वगैरह लेके जाएं। इसके अलावा जो लैपटॉप है तो लैपटॉप के लिए भी हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो आप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि लैपटॉप अगर आप अपना ख़ुद लेके जाएंगे तो जो भी उधर प्रोग्रामिंग वगैरह होगी तो वो आप अपने लैपटॉप में करके सेव करके घर ला के उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड हैं, आईडी कार्ड जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, उन्हें ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू जो है आपकी वो है एंट्री होगी और उसके थ्रू जो आपकी अटेंडेंस लगेगी। और अटेंडेंस वाली बात जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो लास्ट में बताऊंगा कि आपकी अटेंडेंस की शॉर्टेज और क्लासे लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सर काइंडली ये बता दें ऑन साइड और ऑनलाइन वालों का कोर्स। अच्छा जी, ये मैं बता चुका हूँ कि दोनों का कोर्स सेम ही होगा, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं और ऑन साइड दोनों के सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, ये बात मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं कि अटेंडेंस वाली बात मैंने बोला था ना करने को, तो देखें अटेंडेंस इस तरह लगेगी कि आपका जो कार्ड है, कार्ड के अंदर आप देखें तो एक बार कोड या फिर QR कोड बना हुआ होगा उसका। सही है, तो इस अटेंडेंस अब किस तरह लगेगी, जो भी आपकी मार्की है या जहाँ पे भी आपकी क्लास होगी उधर जो भी आपका एंट्री पॉइंट होगा उधर एक स्कैनिंग डिवाइस लगा दी जाएगी, QR स्कैनिंग डिवाइस।
अब आपको जब भी अटेंडेंस लगानी होगी तो आप कार्ड को उसके आगे करेंगे, वो आपके कार्ड पे मौजूद QR कोड को स्कैन करेगा और आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। सही है। अब अगर किसी बच्चे ने ये करा कि उसकी शिफ्ट जो है वो सुबह की है और वो रात में जाके अपनी अटेंडेंस लगा देता है, तो जो वो मशीन जो है उसके अंदर से इस तरह से डेटा फीडिंग हुई हुई होगी कि वो आपकी अटेंडेंस को रिजेक्ट कर देगी। और सिमिलरली अगर कोई बंदा जो है जिसने अगर फॉर एग्जांपल ट्यूसडे सेलेक्ट करा है बट वो जा रहा है किसी और दिन क्लास लेने, वेडनेसडे को थर्सडे को, तो उसके साथ भी सिमिलर यही चीज़ होगी कि जब भी वो अपनी अटेंडेंस लगाएगा तो वो अटेंडेंस जो है वो उसकी रिजेक्ट होती रहेगी। और इसकी वजह से जो है वो आपकी जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस शॉर्टेज की तरफ चली जाएगी। अब जो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है गवर्नर की तरफ से कि अगर किसी की भी अटेंडेंस जो है अगर वो शॉर्ट होगी तो उसे वो डायरेक्टली विदाउट आस्किंग एनी रीज़न उसे ड्रॉप आउट कर देंगे कोर्ट से। सही है। उसे ऑन साइट से डायरेक्टली ऑनलाइन पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि देखें 4.5 लाख ऐसा बच्चा है जो कि बैठा हुआ है और जो कि तैयार है कि उसे किसी तरीके से ऑनलाइन से ऑन साइट शिफ्ट कर लिया जाए। अगर आपके अटेंडेंस के अंदर शॉर्टेज होती है या फिर आपको असाइनमेंट मिलते हैं और असाइनमेंट को आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते या फिर आप टेस्ट के अंदर सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उसकी वजह से आपके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको डायरेक्टली ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा और आपके बदले किसी और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को चांस दे दिया जाएगा। सही है। शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो इस आप कोर्स से आउट हो जाएंगे। एक्सट्रीम ट्रैफिक है, ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे पास 4.5 लाख लोग हैं जो कि दो दो तीन तीन नंबर से जो है फेल हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें जो है इसमें एनरोल किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट आता नहीं है यहाँ पे क्योंकि आपकी प्रॉपर क्लासेस अपना अटेंडेंस हो रही होगी गेट पे, QR कोड आप लोगों के एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी मौजूद है, उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस होगी। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपकी रात की टाइमिंग से मिसाल के तौर पर 7 से 10 और आप सुबह आ गए तो QR कोड से जब आपकी अटेंडेंस होगी और वो सिस्टम में जाएगा तो वो चेक करके रिजेक्ट कर देगा। तो अपनी अपनी टाइमिंग्स पर आए सब और अटेंडेंस का ख्याल करें। अगर नहीं आएंगे तो आप इस कोर्स से ड्रॉप हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के सारे सवाल का जवाब मिल चुका होगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर कोई और भी सवाल है तो वो आप पर्सनल पे मैसेज करके या फिर ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और जो हमने वादा करा था कि हम फ्री में ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे गवर्नर IT कोर्स की, जिसके अंदर हम आपको असाइनमेंट भी बनाने में हेल्प करेंगे और आपको जो भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उनमें भी आपकी हेल्प करेंगे, तो आप लोगों का काम ये कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें। और इसके अलावा जो चैनल जो है हमारे यूट्यूब का, उसे भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं हमारी ट्यूशन क्लासेस में।